जाजपुर पहुंचला क्राइम ब्रांच टीम धर्मशाला विधायकों आक्रमण घटन क्राइम ब्रांच हाथ को गला तीन टी केस तीन टी टीम गठन कर तदंत आरंभ कला क्राइम ब्रांच एडीजी विनोद मिश्रों प्रत्यक्ष तत्वधान तदंत कर क्राइम ब्रांच तदंत अधिकारी सहित आडिशनाल एसपी और डीएसपी रैंक दक्ष अधिकारी को टीम गठन कर क्राइम ब्रांच आज प्रथम पर्यायर विधायकों पीएसओं बयान रेकर्ड कर क्राइम ब्रांच विधायकों आक्रमण घटन कल सी डीआर रेकर्ड अनुसार बबी दास को पचराउचरा करने सहित पूर्वतन विधायकों तदंत परिसरभुक्त करेंगे क्राइम ब्रांच जाजपुर सदर थाना बुढ़ापुल पाखे विधायकों आक्रमण होता बबी दास भाई ललों समर्थक आक्रमण कर संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि परमेश्वर ब्यूरे रही परमेश्वर विधायकों आक्रमण घटन जी आम कह वर्तमान क्राइम ब्रांच घाटब तीन टीम भी गठन कर देखो नीलिमा 20 तारीख रे जो घटना घटी धर्मशाला विधायक जत गोटे सरकारी काम रे जाजपुर को आसुते सेत बुढ़ापोल निकट रे आक्रमण करा एवं तापरे थाना गेरव एवं तापरे जो बिरजा हाट प्रसंग रही गंडगोल होता गोटे गोष्ठी बिरजा हाटर जो व्यवसायी मान आक्रमण करते थाना लिखित अभियोग होता तेरे क्राइम ब्रांच वर्तमान तीनो घटना को लेकिन जो थे जो सदर थानार पीएस केस नंबर 330 रही जो विधायक को आक्रमण करा जायतिला से घटनार तदंत करिवो एवं ता सहित जाजपुर टाउन थाना रे जो दुईटी मामला रुजु करा जायछि अर्थात दुईटी मामला 469 470 एई दुईटी घटनार मध्ये तदंत करिवो क्राइम ब्रांच तेबे जो कुआ जाउछि जे जे रहिछन्ति क्राइम ब्रांच एडीजे सीए मध्ये प्रत्येक तत्वावधान तांकर तत्वावधान तीनोटी टीम जो गठन करा जायछि 6 जणिया जो टीम आसिछन्ति सेमाने पूरा घटनार तदंत करिवे जो जगार इनसीडेंट घटीथिला से स्थान को जिवे से स्थान रे मध्ये पूरा जो रही विधायक गाड़ी कौटी थिला एवं कौटी विक्षोभकारी माने विक्षोभ करुथिले टायर जाळुथिले से घटनार पूरा सांपल कलेक्शन करिवो ता सहित जहाँ सूचना रोची जी रही भवप्रसाद दास जी मध्य थाना गंडगोल घटना थाना जो घेरो घटना एवं ता सहित जो रही हाट रही सेठी जो आक्रमण घटना रे तांको पुलिस जो गिरफ्त करी वर्तमान गिरफ्त करापर कोर्ट रखी जेल रखी तो तांको मध्य कोटना कोटी तदंत परिसरभुक्त को नब और कोटना कोटी पचराउचरा करिवार व्यवस्था बोलिक जहाँ सूचना रही तेरे पूरा घटना आ किसी समय भितर स्पष्ट होते क्राइम ब्रांच टीम पूरा घटना को तदंत करने आसब स्पट को आसब तेज बर्तमान जहाँ आम पाखे सूचना रही क्राइम ब्रांच जो टीम गठन होने वर्तमान जाजपुर पहुँच सारी घटना उपर पूरा नजर रखा जाए से आम रखुचु जाजपुर टाउन थाना परिसर में पुलिस जो व्यवस्था को मध्य व्यापक कर सुरक्षा दृष्टि जो कथा एडीजे कहते 40 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर सहित 163 वीएनएस लागू करण जदि शांति श्रृंखला कौटना कौटी व्याघत घटे से पुलिस पूर्व प्रस्तुति कर सारी तेज यार भितर आउ गोटे कथा सामना को आसूसी पूरा घटना को तदंत करा सहित जो मैंने घटन संपृक्त थे जो मान ना अभियोग अच्छी कोटना कोटी क्राइम ब्रांच पचराउचरा कर जो मानक पुलिस वर्तमान खोजुची अर्थात जो मैंने घटन संपृक्त थे से दिन से कार्यानुष्ठान हम जलिबा परमेश्वर कितने कथा हूँ देखो ये घटना ये छोट कथा नुहे ये क्राइम ब्रांच को भी हस्तांतर है तीन टी टीम गठन करपटे जब आम कह ललों को मानने अलरेडी पुलिस कस्टडी जब आम कथ कह ये गोटे प्रकार चाप नुह कि मानने चाप इन द सेन्स कि जो भूल करते सफे दे जिते भिड बार्ता जारी कले भी जिते निजे जी आगुआ काले गिरफ्तारी हाँ किसी कार्यानुषान दिया जाए पुलिस स्टेशन जाए पहुँचले भी ये कौन से पर्दा पड़ पारे जहाँ घटना घटी जाता निहती भाव में सामना को आस घटनार तदंत हो मैं अनेक गुमर भी खोल देखो तो नीलिमा जितेबाला विधायक आक्रमण घटन सीधा सड़क कही कि एटना कौटी प्रणव प्रकाश दास और भाई संपृक्ति रोचे और भाई ठीक से ही समय फोन करते तो तापर समय पुलिस जो मामला 330 रुजु करता से जी रही भवप्रसाद दास ना एफआईआर होते पुलिस एफआईआर रुजु कर ना कि कथा उठू कहीं भवप्रसाद दास थाना को आसी थाना घेरवे सामिल थे और ता पर
ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ହାଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଥିଲେ। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ କଥା ଯିଏ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ତ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କେସ୍କୁ ନିଆଗଲା ଯେ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ସେ ଘଟଣାର କେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ କି ନାହିଁ। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ହୁଏତ ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସିଏ କହୁଥିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧାୟକର ଆସିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଥିବାର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ, ଏ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନୀଳିମା, ଯେହେତୁ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ହାଟ ଘଟଣା ଏବଂ ଥାନ ଘଟଣା ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଯିଏ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କର ପିଏସ୍ଓ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କେମିତି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେଉଁ କଥା ନିଜେ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯିଏ ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଏବଂ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଜବକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଜବକୁ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବ ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ। ନୀଳିମା, ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଖଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବିଉଲିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।